बड़वानी एमपी बीवी द्वारा मार्च के महीने में वसूली अभियान में 6 महीने से बिजली बिल नहीं भरे उनके मीटर जब्त करने की जा रही है कार्रवाई। बिजली बिल की राशि जमा करवाने उपभोक्ताओं को प्राथमिक जिम्मेदारी। वहीं एमपी बीवी कनिष्ठ यंत्री शहरी क्षेत्र के स्वप्निल डावर ने शुक्रवार को बताया कि बड़वानी शहरी क्षेत्र में अब तक 96 लाख रुपये घरेलू उपभोक्ता द्वारा बिजली बिलों की राशि लंबे समय से नहीं जमा करवाई गई। वहीं नगरीय क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों से 31,000 उपभोक्ताओं ने भी बिजली बिल की राशि जमा नहीं करवाने पर मार्च माह में एमपी बीवी बड़वानी के कनिष्ठ यंत्री स्वप्निल डावर द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देश का पालन कर 190 लाख लक्ष्य पूर्ति के लिए वसूली अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं 6 माह से ज़्यादा समय तक बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की लाइन खंभे से काट कर मीटर निकालने की भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं कनिष्ठ यंत्री स्वप्निल डावर ने लोगों को समय में बिजली बिल जमा करवाने की आम उपभोक्ताओं से अपील की है। मैं कनिष्ठ यंत्री स्वप्निल डावर वितरण केंद्र बड़वानी शहर प्रभारी हूँ। सर अभी गर्मी को लेकर क्या वसूली अभियान चल रहा है? अभी माह मार्च 2022 के हिसाब से हमारा जो अभियान है वसूली का वो हमें टारगेट जो है वो 190 लाख का दिया गया है। उसके अनुसार जो है वो घरेलू उपभोक्ता हमारे 96 लाख जो है 96 लाख के बकाया है बड़वानी के अंदर, और दुकानों के हमारे 31 लाख जो है वो बकाया है। तो इसी के लिए हम डिस्कनेक्शन के अभियान जो है वो 2000 से ऊपर जिनको हमने धारा 56 के नोटिस वितरित किए थे और 7 दिवस का समय भी था उसमें, उसके बाद जो बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं उनकी हम लाइट जो है पोल से विच्छेदित करवा रहे हैं। मीटर उठाने की कार्रवाई जो लोग जो 6 महीने से जिन्होंने बिल नहीं भरा है वैसे हमने 880 लोगों। भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोविड में हुए अनाथ बच्चों को निःशुल्क केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश की व्यवस्था राज्यसभा सांसद ने दी जानकारी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने बड़वानी में बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा व्यवस्था की गई कि जो कोविड में जिनके माता पिता को निधन हो चुका है अनाथ बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश की भारत सरकार ने व्यवस्था की है। मैं आम लोगों से अपील भी की है ऐसे कोई बच्चे जो अनाथ हो गए हैं जिनके माता पिता नहीं है उन्हें नज़दीक ही अपने किसी भी केंद्रीय विद्यालय में निःशुल्क एडमिशन करवा सकते हैं। मेरा राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने बताया कि बड़वानी केंद्रीय विद्यालय में मेरी ओर से निर्देश भी दिए गए हैं कि जो भी अनाथ बच्चे जिनके माता पिता कोविड में निधन हुए हैं उनकी एडमिशन की निःशुल्क व्यवस्था की जाए। भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कोविड अवधि में जिन बच्चों के माता पिता का निधन हो गया और जो बच्चे अनाथ हो गए ऐसे बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश देने के लिए शासन ने आदेश जारी किया है। मैं सभी नगर की जनता से और ज़िले की जनता से आग्रह करता हूं और अन्य ज़िलों के भाइयों और बहनों से भी आग्रह करता हूं कि वे अपने नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में इस प्रकार के अनाथ बच्चों के लिए प्रवेश की व्यवस्था है वो वहां जाकर संपर्क करें और उन बच्चों को निःशुल्क केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश जरूर कराएँ, यही आग्रह है। बड़वानी जिले में शुक्रवार से प्रारंभ हुआ भगोरिया हाट जिसमें मध्य संस्कृत परिषद भोपाल द्वारा जिला प्रशासन बड़वानी के सहयोग से भगोरिया हाट का आयोजन किया। बड़वानी जिले में शुक्रवार 11 मार्च से भगोरिया हाट प्रारंभ हुआ। प्रथम दिवस जिले में शुक्रवार को ग्राम मेनीमता बोखराटा ठीकरी मोहिदा तलवाड़ा वरला झोपाली में भगोरिया हाट का आयोजन हुआ। इस भगोरिया हाट में जनजाति लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद भोपाल द्वारा जिला प्रशासन बड़वानी के सहयोग से भगोरिया का आयोजन किया गया जिसमें मध्य प्रदेश की भील जनजाति के साथ गोंड बेगा कोरकू भारिया जनजाति के नृत्यों का प्रदर्शन संबंधित जिले के लोक नृत्य द्वारा प्रस्तुति किया गया जिसे भगोरिया में आए लोगों द्वारा देखा एवं सराहाया गया। 75वें आज़ादी अमृत महाउत्सव के तहत बड़वानी जिले के समस्त भगोरिया हाटों में भगोरिया उत्सव का आयोजन 11 से 17 मार्च तक किया जाएगा बड़वानी जिला प्रशासन के सहयोग से। RPTV न्यूज़ की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही RPTV की न्यूज़ की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।